वैसा गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। यू वीर वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो आज है सैटरडे, तो सैटरडे का जो दिन होता है हमारा वो होता है निमंत के लिए। तो जैसे कि मैं हर बार आप लोगों को निमंत देता हूँ, पर अब की बार आप लोगों को दो निमंत मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बोला भी था कि एक तो निमंत हम लोग वही देखेंगे जो इब की बार यूपीएससी के पेपर में पूछा गया है। तो ऑलरेडी तीन निमंत मैं आप लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पर। आज का एक निमंत तो यही हो गया कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, यानी कि सरलता जो है वो चरम परिष्करण है। तो एक तो ये निमंत आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है जो कि अब की बार के यूपीएससी के पेपर में पूछा गया था। और दूसरा जो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी दिया था, मैंने कहा था कि ये ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं तो निमंत की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, या फिर आप लोगों से ये एथिक्स के पेपर में आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती हैं। तो कहीं पर भी आप लोग इनको इंक्लूड करके चल सकते हैं। बोला गया कि लिप सर्विस इज नॉट एनफ टू टैकल इनइक्वालिटी, यानी कि असमानता जो है सोसाइटी के अंदर जो खासकर कोविड-19 के चलते और ज्यादा बढ़ गई है, ये बोला गया कि दिखावटी प्रेम जो है वो पर्याप्त नहीं होगा इसको खत्म करने के लिए। तो ये निमंत जो भी आप लोगों को अच्छा लगे, ऑल्टरनेटिव में से कोई भी एक निमंत आप लोग लिखने की कोशिश कीजिएगा। जिसके पास थोड़ा सा और ज्यादा टाइम हो तो ये कोशिश कर लेना कि एक आज लिख लेना और एक कल लिख लेना। तो इस तरीके से आप लोगों इसको पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों के सामने, तो कोशिश कीजिएगा जो निमंत है उनको जरूर लिखा कीजिए, और जो नहीं लिखना जानता है कैसे निमंत लिखना है, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं निमंत कैसे लिखना है, या फिर दूसरे जो ऑलरेडी निमंत लिख रहे हैं उनका निमंत देखकर आप लोगों को निमंत लिखना है। कोई भी मां के पेट से सीख के नहीं आता है, पहले ही दिन में निमंत लिखना स्टार्ट नहीं करना है कि आप लोग आते ही निमंत लिखना स्टार्ट कर देंगे। जो अभी नया नया देखना स्टार्ट किए, पहले थोड़ा सा एक दो महीने अपना बेस बना लीजिए, जो टर्म्स होती है उनको अंडरस्टैंड करिए, टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में लिखना स्टार्ट करिएगा। पहले थोड़े शब्द लिखिए फिर उनको बढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए, यहां से आप लोगों को लिखने की एक आदत पड़ जाएगी, ठीक है। आइए अब आर्टिकल के ऊपर नजर डालते हैं, कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, कल इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया, तो एक स्पेशल वीडियो आप लोगों की बनाई गई थी। हालांकि वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, पर लेकिन डिटेल में मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई है कि किस किस जो वॉल्यूम में कौन कौन से चैप्टर हैं और किस किस तरीके से हमारी कंट्री में इकोनॉमिक सर्वे कहां से निकल कर आया और क्या क्या हमारी कंट्री में इसके रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने आप लोगों को वहां पर डिस्कस किया है, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को वहां पर यह भी बताया था कि हमारी कंट्री में जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पार्लियामेंट में पहले क्या होता है, ये पहले क्या होता था कि बजट के साथ में प्रस्तुत किया जाता था, फिर आगे चलकर हम लोगों ने इसको बजट से हटाकर इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा पहले प्रस्तुत करना स्टार्ट कर दिया। इसको पार्लियामेंट में कौन प्रस्तुत करता है ये आप लोगों को बताना है। डेटा यहां पर कौन इकट्ठा करता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, सीएसओ के साथ में एनएसओ के बारे में मैंने आप लोगों से बताया था। तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें समझा रखी है कि किस तरीके से हमारी कंट्री में फिलहाल जो अभी अगले साल के लिए जो ग्रोथ की बात की जा रही है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा साल, 11% ग्रोथ की बात की जा रही है, पर लेकिन जो ये साल जा रहा है जिसमें अभी फरवरी और मार्च बचा हुआ है, इसमें -7% हमारी कंट्री की ग्रोथ रहने वाली है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर फिर से डिस्कस करूंगा तो वो रिपीट होगा और बहुत ज्यादा टाइम फिर से सेम तरीके से डिस्टर्ब होगा। तो क्यों ना आप लोग ये वाली वीडियो देख लीजिएगा जो बिल्कुल सेपरेट बना दिए और डिटेल में सारी चीजें आप लोगों को बता दिए। यहां सर्च कर लीजिएगा इकोनॉमिक सर्वे बाय वीर, या फिर इस वीडियो के नीचे उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ये वीडियो देखने के बाद में आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। आइए अब नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल हम लोग को डिस्कस करने हैं। आर्टिकल जो है यहां पर सबसे पहला जो आर्टिकल है यहां पर जो बात कर रहे हैं ये इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे नहीं बेसिकली बजट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि 1 फरवरी को हमारी कंट्री में प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसके चलते जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी और जो फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम साहब, इनके द्वारा यहां पर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, हालांकि बजट प्रस्तुत से पहले जो भी आर्टिकल आते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें सजेशन दिया जाता है कि बजट कैसा होना चाहिए, पर लेकिन 2-3 दिन बाद अगर बजट आ ही रहा है तो फिर ये सजेशन फिर काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि बजट जो है वो अपने आप में ही अलग डॉक्यूमेंट होगा, तो उसके हिसाब से फिर आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो उसके बारे में समझेंगे। अभी हमारी कंट्री में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अगर कोई उनके ऊपर कमेंट भी कर रहा है तो उसको भी पकड़ा जा रहा है, कई सारे जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है कि ये कितने हद तक सही है, क्या ये सही पावर तरीके से यहां पर यूज की जा रही है, तो उसको समझाने की कोशिश की गई है। तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, बजट सेशन स्टार्ट हो गया, तो उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टी उसको बायकॉट करने की बात कर रही है, स्टार्टिंग का सेशन भी यहां पर बायकॉट किया गया, तो जानेंगे क्या क्या बातें यहां पर चल रही है। साइंस के बारे में बात की जा रही है और एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल को भी हम लोग यहां पर समझेंगे। तो क्या क्या चीजें हैं काफी डिटेल में जानेंगे। बाकी अगर आप लोगों को लगता है लेक्चर सुनने के बाद में यार पीडीएफ आप लोगों को इसके पास में होनी चाहिए, तो सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। मेरे साथ आप लोग ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप लोग यहां पर हैं। बाकी ये वाला जो आर्टिकल आज है सैटरडे, सैटरडे को ग्राउंड जीरो आते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जो यहां पे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी एक ओवरव्यू आप लोगों को फिर भी बता देता हूं
पता होना चाहिए बेसिकली चल क्या रहा है। हालांकि इसके ऊपर एक आर्टिकल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के चार फिशरमैनों की डेथ हो गई, यानी कि चार मछुआरे मारे गए। और ये जो मछुआरे हैं, कई तो ये बोल रहे हैं कि श्रीलंका की जो नेवी का जो जहाज था उसके साथ में इनका जहाज टकराया और उसकी वजह से उनकी जान चली गई। कुछ लोगों ने बोला कि श्रीलंका की जो नेवी है उसकी वजह से यहां पर जान गई है, उन्होंने उनको मारा है। तो इसकी वजह से कई सारे जो लोग हैं यहां पर ये रामेश्वरम के अंदर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो हरकतें देखने को मिलती है इसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। कई बार ऐसा होता है श्रीलंका नेवी हमारी कंट्री के मछुआरों को पकड़ लेती है, उनकी नाव वगैरह पकड़ लेती है, तो जो गरीब तबका है फिशरमैन में उनकी जिंदगी जो है वो काफी दयनीय हो जाती है, क्योंकि जैसे तैसे करके वो अपनी नाव वगैरह बनाते हैं और वो यहां पर इनके चक्कर में फंस जाती है। हालांकि मछली के लालच में अपनी जो कंट्री की बाउंड्री क्रॉस कर कई बार मछुआरे जो है हमारी कंट्री के श्रीलंका की बाउंड्री में और श्रीलंका के मछुआरे हमारी बाउंड्री में आते हैं, जिसकी वजह से बार बार हमारी कंट्री की नेवी या फिर श्रीलंका की जो नेवी है उनको गिरफ्तार कर लेती है। पर लेकिन इसका कई बार परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश दोनों कंट्री के द्वारा की जाती है, अब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं निकला है। इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा, पाक जो PALK ये स्टेट है यहां पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो यहां पर यह दुर्घटना देखने को मिली, ठीक है। तो इसके बारे में एक ओवरव्यू है जो कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के लिए। जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसमें यहां पर जो बातें बताने की कोशिश की गई है ये COVID-19 का इंपैक्ट समझाने की कोशिश की गई है। देखिए COVID-19 को अगर आप लोग ऐसे देखेंगे कि हमारी कंट्री की GDP ग्रोथ जो है वो कम हो गई है, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है वो कम हो गई है, सर्विस सेक्टर जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो ये एक एंगल होगा इसको समझने का। पर लेकिन एक इससे भी ज्यादा खतरनाक एंगल वो है जो कि ये ऐसे इंडिकेटर जो है वो काउंट ही नहीं कर पाएंगे, यानी कि GDP जो है, इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है या फिर ये सर्विस सेक्टर है, ये अपनी जगह है, पर लेकिन रियलिटी में अगर ग्राउंड में आप लोग जाकर तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना ज्यादा अशुभ और उदास साल रहा 2020-21। और इसकी वजह से जो आज की डेट में जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। पर लेकिन इसको अगर आप लोग नापेंगे कि हमारी कंट्री में GDP कैसी रही, स्टॉक मार्केट कैसी रही, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कैसी रही, तो ये आप लोग ढंग से नाप नहीं पाएंगे। आप लोग अगर नापेंगे तो गहरा और विशाल एक एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसने लोगों की जो लाइफ है वो डिस्ट्रॉय कर दी है। तो वो जो डिस्ट्रक्शन है लोगों की लाइफ का वो इन इंडिकेटर के बेस पर आप लोग चेक नहीं कर सकते। कहने का मतलब यहां पर क्या है, कहने का मतलब यहां पर ये कई सारे राज्य ऐसे थे जिसमें माइग्रेंट वर्कर एक राज्य से दूसरे राज्य में निकलकर पहुंचे, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर की जान चली गई। जिन माइग्रेंट वर्कर की जान गई है क्या आप लोग उनकी जान को काउंट कर सकते हैं, GDP के अंदर क्या नुकसान देखने को मिला है। इसी के साथ में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अलग अलग लेवल पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते थे, उन लोगों की जिंदगी बिल्कुल ठप पड़ गई है, कईयों के द्वारा सुसाइड कर लिया गया है, तो उसको कैसे आप लोग GDP में काउंट करोगे। इसी के साथ में बहुत सारे घर ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गए, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे, अब वो कैपेबल नहीं है कि अपने बच्चों को स्कूल में भेज पाएंगे, तो उन बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होने जा रहा है, तो इसको आप लोग GDP में काउंट नहीं कर पाओगे। इसी के साथ में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने COVID-19 के चलते बहुत सारी यातनाएं झेली, उन पर जो घर के अंदर जो वायलेंस होता है उसके इंसिडेंट काफी सारे बढ़ गए, तो उनके ऊपर जो इसका इंपैक्ट पड़ा, बहुत सारी महिलाओं की जॉब चली गई, उसको आप लोग यहां पर काउंट प्रॉपर वे में नहीं कर पाओगे। जैसे बहुत सारी आज के दिन में अगर बात करें, बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट होती हैं जो कि अपनी देह का व्यापार करके अपनी रोजी रोटी चलाती हैं, अपना पेट पालती हैं, वो उनके लिए एक काम हो चुका है। पर लेकिन इसके चलते बहुत सारी ऐसी जो महिलाएं थी, आप लोगों को याद होगा आर्टिकल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो भी आज के डेट में बिल्कुल एक बुरी कंडीशन में अपनी जिंदगी जी रही है। ये सारी चीजें हम लोग GDP में काउंट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है जिसकी वजह से पूरी कंट्री में एक अलग माहौल बन गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग बोले कि GDP में आप लोगों को देखेगा कि ग्रोथ क्या हो रहा है, वो फ्लाइंग ढिमकाना, वो सारी चीजें अपनी जगह, पर लेकिन रियलिटी में जो लोगों का माइंडसेट आज के में हो गया COVID-19 को लेकर, जो लोगों के अंदर एक बार को खौफ बैठा था, वो सारी चीजें और उसकी वजह से जो लोगों की रिएक्शन चेंज हो रही है, वो सारी चीजें आप लोग इसमें कम से कम काउंट नहीं कर पाओगे जो आप लोग यहां पर ये इकोनॉमिक ग्रोथ को काउंट करने की बात करते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें, नेक्स्ट बात की जा रही है कि लोगों की जो लाइफ है और जो इनकम है वो दोनों डिस्ट्रॉय हो गई है, जिससे हमारा सोशल फैब्रिक जो है वो बिगड़ गया है, यानी कि एक पैटर्न जो सोसाइटी में चला हुआ रहा था कहीं ना कहीं वो खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से इनइक्विटी काफी लार्ज स्केल पर बढ़ चुकी है। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अभी फिलहाल 6 से 7 या 8 महीने के अंदर जो अमीर सेक्शन है सोसाइटी का वो फिर से रिकवर कर चुका है और फिर से अपने पहले वाले पैटर्न में पैसा कमाने स्टार्ट कर चुका है। पर लेकिन अगर गरीब सेक्शन के बारे में आप लोग बात करेंगे, उसको आने वाले टाइम में 8 से 10 साल लग जाएंगे अपने पहले वाले पैटर्न में आने के लिए, जिनकी कई सालों की जो लाइफ बर्बाद हो गई है। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि आज की डेट में जिस तरीके से सिचुएशन खराब हो चुकी है, उसको अगर आप लोग इकोनॉमिक इंडिकेटर पर काउंट करोगे तो आप लोग समझ नहीं पाओगे प्रॉपर वे में। उसको काउंट करने के लिए आप लोगों को सोसाइटी के साथ में कनेक्ट होना पड़ेगा और रियलिटी में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कहां कहां पर क्या क्या इंपैक्ट पड़ा है, तभी जाकर आप लोग चीजों को सही तरीके से सही पैटर्न में लेकर चल पाओगे।
तो ये आर्टिकल में कई सारी बातें समझाने की कोशिश की गई है। बाकी तो वही है कि क्या क्या डेटा कहां पर, क्या क्या इन्वेस्टमेंट, क्या क्या खर्चा, वो सारी बातें अब बजट आएगा उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेटा देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है उसमें इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको यहां पर काउंट कर आप लोग मत चलिए। ठीक है, अभी फिलहाल जो सजेशन के आर्टिकल आ रहे हैं उनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली बात कर रहा है, अभी रिसेंटली जो जर्नलिस्ट हैं उनको गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा, उनके द्वारा कुछ कमेंट किए गए, तो ये एक अलग माहौल हमारी कंट्री में क्रिएट करता है। तो बोला जा रहा है कि दुर्भावना से किया गया काम होता है, और खासकर जो पावर में गवर्नमेंट होती है वो ऐसे काम करती है। ऐसे नहीं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट ये काम कर रही है, पहले जो आज के डेट में अपोजिशन में है ये पावर में थे तो ये भी ऐसे ही काम करते थे। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपना रोटी सेकने के लिए यहां पर ये एक तरीके से कई बार पत्रकारों को दबाती हुई नजर आती है, क्योंकि वो पत्रकार जो इनके खिलाफ सही सही बातें बोलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी क्या हुआ है, सीनियर जर्नलिस्ट और कांग्रेस के जो एमपी हैं शशि थरूर जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उनको यह माना गया कि रिपब्लिक डे के यानी कि 26 जनवरी के दिवस हमारी कंट्री में जो प्रोटेस्ट देखने को मिले, जो दुर्घटनाएं देखने को मिली, वो सारी चीजें जो इनके खिलाफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज यहां पर की गई है कि इनके द्वारा दंगों को भड़काया गया है, मिसलीड किया गया लोगों को सोशल मीडिया की हेल्प से, तो ये इनके खिलाफ यहां पर एफआईआर देखने को मिली। गौतम बुद्ध नगर के जो पुलिस स्टेशन है वहां पर एफआईआर दर्ज की गई। क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है वो सारी चीजें यहां पर समझने की कोशिश की जा रही है। अगर बात करें जो दिल्ली के अंदर जो एक बुलेट की वजह से एक लोग की जान चली गई, तो ये बोला जा रहा है कि कुछ तो लोग ये बोल रहे हैं कि पुलिस की गोली की वजह से जान गई है, कुछ बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर के द्वारा यहां पर उसको मारा गया है। तो इस तरीके से कई सारी वो फालतू की बातें जो थी वो पब्लिक में सामने निकल कर आई, जिसके चलते बहुत सारे जो लोग हैं वो यहां पर इरिटेट हो गए और माहौल एक अलग देखने को मिला। तो एक तरीके से जो देशद्रोह का कॉन्स्पिरेसी जो ये चीजें यहां पर सारी देखने को मिल रही है अलग अलग सेक्शन पर, तो ये कोई नया नहीं है। जब भी यहां पर कोई प्रोटेस्ट ऐसा होता है तो ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस आप लोगों को देखने को मिलेगी कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जो यहां पर ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं और यहां पर अटेम्प्ट किया जाता है कि जो भी वॉयलेंस यहां पर, तो ये सारे पैटर्न आप लोग अगर पुराने पैटर्न उठाकर देखोगे तो जब भी कोई ऐसी हरकतें होती हैं तो ये चीजें देखने को मिलेगी। इवन सिमिलर एफआईआर जो है वो भोपाल के अंदर यहां पर ये लॉन्च की गई, जिसमें ये बोला गया कि प्रमोशन ऑफ एनिमिटी और इसी के साथ में इलविल यानी कि गलत इच्छा से यहां पर ये काम किए गए और लोगों के अंदर दुर्भावना भड़काने की कोशिश यहां पर की गई है। तो यही बात यहां पर बोली जा रही है कि जो कंप्लेंट जो पुलिस के द्वारा यहां पर देखने को मिल रही है, ये बोला जा रहा है कि पीस ऑफ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी कि इनके द्वारा एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यहां पर देखने को मिली, जबकि प्रोटेस्टर जो है वो ऑलरेडी वहां पर थे और जो डेथ है वो ऑलरेडी हो चुकी थी जब इनके द्वारा यहां पर ये इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर अपडेट की गई। यानी कि कहने का मतलब ये जो बोले कि ऑलरेडी यहां पर कि इनके खिलाफ इनके द्वारा यहां पर ये चीजें भड़काई गई हैं। तो राइटर यहां पर ये बोल रहे हैं कि अगर टाइम ड्यूरेशन आप लोग देखोगे तो दोनों अलग-अलग है, और जबकि एडिटर जो गिल्ड है यानी कि हमारी कंट्री में जो भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो इसको आगे एक तरीके से देखते हैं न्यूज़पेपर सही डायरेक्शन में चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उनके द्वारा ये बोला गया अगर कहीं कुछ हो रहा है वो आंखों से देखा हुआ अगर कोई इंसान बता रहा है अपनी किसी वीडियो के अंदर अपनी किसी पोस्ट के अंदर, तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई गलत काम कर रहा है, वो तो बिल्कुल वही चीजें बता रहा है जो वहां पर हो रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि और ज्यादा दंगे भड़क गए, तो ये लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन होती है, वो पुलिस को पहले से ही कंट्रोल करके रखनी है अगर कोई ऐसी माहौल यहां पर बनकर आता है। तो कहने का मतलब ये कि तो इनका काम ही यही है कि ये आई विटनेस जो भी चीजें हैं ये को बताएंगे, और अगर यही काम नहीं करेंगे तो फिर इनको जर्नलिस्ट कौन बोलेगा, तो आप लोग ये बताने की कोशिश कीजिए। तो ये जो आप बोल रहे हैं इस तरीके से इनके खिलाफ जो केस चल रहे लगाई जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है लोगों को सप्रेस करने का, ये गलत तरीका है, एक तरीके से मनमानी होगी, ऐसा आप लोग नहीं कर सकते। आज की डेट में ये प्रैक्टिस बिल्कुल फैमिलियर हो चुकी है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर या फिर कोई ऐसी भी चीज देखने को मिलती है तो अपॉर्चुनिटी के तरीके से उसको ले जाता है कि जर्नलिस्ट जो है उसको पकड़ लो, जर्नलिस्ट को गिरफ्तार कर लो, जर्नलिस्ट को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों ने देखा होगा सेम फंडा अर्णब गोस्वामी के साथ किया गया। अर्णब गोस्वामी क्या कर रहा था, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के खिलाफ कई सारे सबूत कई सारे बयान यहां पर रख रहा था, तो उसको सप्रेस करने की कोशिश की गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत आकर अर्णब गोस्वामी के फेवर में यहां पर डिसीजन लिया। अच्छी बात है कि कोई जर्नलिस्ट यहां पर अगर किसी के खिलाफ कुछ बातें बोल रहे हैं और वो बातें सही है तो सही है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में आके बात की, पर लेकिन एक ही जर्नलिस्ट के लिए ये सारा फेवर क्यों, और जर्नलिस्ट के लिए क्यों नहीं, अगर और जगह यहां पर देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनके खिलाफ ये चीजें देखने को मिली, अभी फिलहाल आप लोग देखते हैं ऐसे कई सारे जर्नलिस्ट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये टेंडेंसी जो है ये गलत तरीके से पावर का मिसयूज करना ये सही तरीका यहां पर नहीं है, राइटर ये बोल रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये
कि ये टेंडेंसी की एक अपॉर्चुनिटी देखना, जो जर्नलिस्ट है उनको सप्रेस करना, उनको हरास करना एक तरीके से, अगर एक ये जो माहौल यहां पर बन गया है कंट्री के अंदर में, तो ये सही तरीका नहीं है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात कर लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात कर लिए, क्योंकि जर्नलिज्म जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक माना जाता है जनता के साथ में गवर्नमेंट का। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर अच्छा कर रही है तो अच्छा बताओ। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए, हमारी कंट्री में दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है बहुत अच्छे लेवल पर, हमारी कंट्री में हेल्थ के लेवल पर स्कीम इंप्लीमेंट की गई। हालांकि पुरानी तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं थी तो प्रॉब्लम देखने को मिली। सोलर एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में गवर्नमेंट के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए। तो ये सारी चीजें कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोग इनको समझेंगे तो ये चीजें अप्रिशिएट भी की जाती हैं कि हाँ गवर्नमेंट जो है अच्छा कर रही है। पर लेकिन अगर गवर्नमेंट की नेगेटिव चीजें नहीं दिखाई जाएंगी तो फिर जनता जो है वो एक तरीके से उनको सही जो पिक्चर है वो सामने निकल कर नहीं आएगी। इसलिए जर्नलिज्म का काम यही होता है कि जनता को गवर्नमेंट की एक वो साइड भी दिखाई जाए जो जनता को नहीं दिख रही है, और उसके चलते फिर गवर्नमेंट के ऊपर भी दबाव बनाया जाए कि ये चीजें नेगेटिव है यार इसको सुधारो। तो ये बेसिक फंडा होता है। तो यानी कि जर्नलिज्म जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा, तभी सोसाइटी में एक वेलफेयरिस्टिक सोसाइटी आप लोग बोल पाएंगे, वरना चीजें जो हैं वो एक अलग पैटर्न में चलती हुई नजर आएंगी। तो ये बातें यहां पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो ये था ये वाला आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात की जा रही है आइल के बारे में, ये AISLE, इसको आइल बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये है, इसका मतलब है गलियारा। गलियारा यानी कि एक तरीके से बात की जा रही है जो हमारी कंट्री में अभी जो बजट सेशन देखने को मिल रहा है उसके बारे में। हमारी कंट्री में नॉर्मली तीन सेशन होते हैं। एक तो होता है बजट सेशन, ठीक है, जो कि साल के स्टार्ट में आप लोगों को देखने को मिलता है, ये सबसे लंबा सेशन होता है। दूसरा आप लोगों को देखने को मिलेगा मॉनसून सेशन, ये इससे छोटा सेशन होता है। और तीसरा होता है विंटर सेशन, जो कि आपकी बार हमारी कंट्री में हुआ ही नहीं। तो ये तीन सेशन होते हैं हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाती है, बिल को पास करती है, और हमारी कंट्री में रूल और रेगुलेशन इंप्लीमेंट किए जाते हैं। तो मेनली ये सेशन जो होते हैं काफी इंपोर्टेंट होते हैं कंट्री के लिए। अगर ये ढंग से काम कर रहे हैं तो कंट्री सही डायरेक्शन में चल रही है। नॉर्मली क्या करती है, अगर कोई भी गवर्नमेंट मेजोरिटी में है वो अपने मनमानी करने की कोशिश करती है, अपने हिसाब से बिल को पास कराने की कोशिश करती है कंप्लीटली। ना तो वो अपोजिशन को काउंट करती है, ना उस एरिया में अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उनको काउंट करके चलती है। ऐसा यहां पर अभी राइटर आप लोग को बताते हुए नजर आएंगे। क्या बोल रहे हैं राइटर समझ लेते हैं एक बार। राइटर के द्वारा ये बोला गया कि गवर्नमेंट और अपोजिशन के बारे में अगर आज के डेट में आप लोग बात करिए, उनके बीच में एक तो खाई है काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि अभी बजट सेशन के ड्यूरेशन में जो ज्वाइंट सेशन यहां पर बुलाया गया, पार्लियामेंट का जो ज्वाइंट सेशन रहता है वो कौन से आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है, और ज्वाइंट सेशन को नॉर्मली कौन प्रिजाइड करता है अगर कोई ऐसा सेशन आता है, तो इसके बारे में आप लोगों को मैंने पॉलिटी में कई बार डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया। तो ज्वाइंट सेशन के बारे में जाकर लेक्चर देखिएगा, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो जॉइंट मोशन यहां पर देखने को मिली, ये मोशन देखने को मिलती है हमारी कंट्री में जब पहली बार गवर्नमेंट बनती है या कोई नया सेशन स्टार्ट होता है साल का, उसमें प्रेसिडेंट जो होते हैं ये यहां पर इसको बेसिकली जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यहां पर एड्रेस करते हैं। अभी फिलहाल कई सारी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बोला गया, लगभग 20 पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा प्रेसिडेंट जो एड्रेस था जॉइंट सेशन जॉइंट सेटिंग का, उसको इनके द्वारा बायकॉट कर दिया गया, क्योंकि कंट्री में जैसी माहौल बना हुआ है उससे सेटिस्फाई नहीं है और गवर्नमेंट मनमानी चल रही है अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से माने, तो इसलिए इन्होंने बोला कि ये सेशन जो है ये हम लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे। खासकर जो तीन हमारी कंट्री में लो पास किए गए फार्मर प्रोटेस्ट जिसकी वजह से कर रहे हैं उसको लेकर काफी ज्यादा रोष है। तो इनका बोलना ये है कि ना तो पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस किए गए थे जब पार्लियामेंट में पास किया गया उन लोगों को, ना ही जो एक्सपर्ट हैं या फिर जो फार्मर के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे डिस्कस किया था कि भाई साहब आप लोग खुश तो हैं इस पार्लियामेंट जो ये बिल वगैरह लाए जा रहे हैं, ये जो हमारी कंट्री में एक्ट लाए गए ये कंप्लीटली बोला गया कि ये उन लोगों के लिए लाए गए जो बिजनेसमैन है, उनसे तो डिस्कस किया गया होगा वो पता नहीं है, पर लेकिन यहां पर इनसे डिस्कस नहीं किया गया जिनके लिए ये आने चाहिए थे। तो कहने का मतलब ये कि जो रिलेशनशिप आज के डेट में आप लोगों को जो गवर्नमेंट और अपोजिशन में जो देखने को मिल रही है ये एक अलग माहौल यहां पर क्रिएट कर रही है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि आज की डेट में जो दोनों को मिलकर काम चेता देश के फ्यूचर के लिए वो नहीं होगा, और जिस तरीके से बायकॉट किया जा रहा है ये सही काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। प्रेसिडेंट एड्रेस जो है यहां पर पहले भी यहां पर ब्लैक बैंड पहनकर आए थे अपोजिशन के जो लीडर हैं, यानी कि वो सेटिस्फाई नहीं है किसी भी तरीके से अपोजिशन का काम। हालांकि अपोजिशन करना होता है वो एक अलग बात है, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन बनी हुई है उसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फार्म बिल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बोला गया इनको होल्ड पर डालो, और इसी के साथ में प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा भी यहां पर यह बोला गया कि फार्म बिल को हम लोग को होल्ड पर डाल देना चाहिए, गवर्नमेंट को यह सजेशन दिया गया, लेकिन किसी में भी पुनर्विचार की बात नहीं की गई। क्या इन बिल के ऊपर पुनर्विचार किया जाएगा, यानी कि रोक तो दोगे आप लोग इनको प्रेजेंट नहीं करोगे, पर लेकिन पुनर्विचार करोगे या फिर नहीं करोगे,
तो ये भी सोचने वाली बात है। गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करें और अपोजिशन को अगर लेकर चलें तो आज की डेट में गवर्नमेंट के पास में फुल मेजोरिटी है, तो इसलिए वो अपोजिशन को अपोजिशन मान ही नहीं रही है, वो ये देख ही नहीं रही है कि अपोजिशन है या नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। इसलिए यहां पर जो ये ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है मेनली। अगर बात करें मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट और लेटर इन द बजट जो डिस्कशन होगा उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे, इसको स्किप करने के बारे में अभी जो अपोजिशन है उसके द्वारा कोई भी बातें नहीं बोली गई है। अभी हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिलता है कई सारे ऐसे जो ऑर्डिनेंस लाए गए जो कि अब तक काम कर रहे थे, अब ऑर्डिनेंस जिसको अध्यादेश बोलते हैं आप लोग हिंदी में, तो आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस आता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेकर आती है, और आर्टिकल 213 के तहत जो ऑर्डिनेंस आता है वो स्टेट गवर्नमेंट लेकर आती है, इनके गवर्नर लेकर आते हैं और यहां पर प्रेसिडेंट लेकर आते हैं। ऑर्डिनेंस बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे एक नॉर्मल लॉ होता है, बस ऑर्डिनेंस उस टाइम पर लाए जाते हैं जब प्रेसिडेंट हमारी कंट्री में पार्लियामेंट या फिर जो असेंबली स्टेट के अंदर में वो काम नहीं कर रही होती है, तो अगर कोई अर्जेंट इशू है तो ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं। तो बात की जा रही है आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन जो अमेंडमेंट है यहां पर ऑर्डिनेंस 2020 उसके बारे में बात की जा रही है। तो बोला जा रहा है कि जो डील करेगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के बारे में, तो ये जो बेसिकली देखने को मिलेगी इसके ऊपर एक तो ये वाला ऑर्डिनेंस है इसको एक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की थी, अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस है 2021 का, इसमें क्या किया गया इसके ऊपर आप लोगों को याद होगा एक पूरी वीडियो भी मैंने बना रखी है, देख लीजिएगा, उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या क्या चल रहा है यहां पर। तो अभी फिलहाल ऑल इंडिया जो सर्विस है हमारी कंट्री के अंदर, ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन आता है, आईएएस आता है, आईपीएस आता है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आती है। कंफ्यूज मत होइएगा, इंडियन फॉरन सर्विस नहीं होती है, ये फॉरेस्ट सर्विस होती है, ठीक है, वन विभाग सर्विस, तो ये कंफ्यूजन में मत आइएगा। अभी यहां पर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको स्टेट से यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया है, तो जो जम्मू एंड कश्मीर जो कैडर हुआ करता था उसको जो हमारी कंट्री में AGMUT कैडर है यानी कि जिसमें अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी आती है, उस वाले कैडर में जम्मू एंड कश्मीर कैडर को मिक्स करने की बात की जा रही है। इसको यहां पर पार्लियामेंट्री नोट दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डिनेंस ये ला दिया गया था, तो कहने का मतलब ये है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कैडर था वो एक अलग से कैडर न रहकर वो यहां पर इसके साथ में मिक्स हो जाएगा और सारी चीजें कंप्लीटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी क्योंकि स्टेट के अंदर कैडर रहता है स्टेट गवर्नमेंट का। ओके, तो ये यहां पर काफी इंपोर्टेंट है। गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर जो अभी फिलहाल बात करें मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी के चलते तो गवर्नमेंट ये नहीं है कि गवर्नमेंट वो होती है बस मेजोरिटी वाली, हाँ भैया हमारे पास में पार्लियामेंट्री मेजोरिटी है, हम लोग अपने हिसाब से काम करेंगे, ये आप लोग इसको गवर्नमेंट नहीं बोलिएगा। एक डेमोक्रेटिक कंडक्ट जो होता है जिसमें यहां पर जो मेजोरिटी को साथ में लेकर चला जाता है, देखिए आज की डेट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आज के जिन्होंने गवर्नमेंट को वोट नहीं दिया है, आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने वोट दिया है, अब जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनके भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही हैं, ये नहीं है कि उनके प्राइम मिनिस्टर कोई और बन जाएंगे आकर, तो इसका मतलब ये कि पूरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो इसका मतलब ये कि जो गवर्नमेंट है उसको सबको साथ में लेकर चलना है, जिसने वोट दी है और जिसने वोट नहीं दी है, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जो भी आज की डेट में गवर्नमेंट को जरा सा भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो स्टेट मशीनरी और स्टेट आर्म का यूज करके यहां पर उनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, और हमारी कंट्री में ये जो एक ऐसी कंट्री जिसको देखकर लोग बोलते हैं कि डेमोक्रेसी हो तो कैसी हो कि भारत जैसी हो, तो वो वाला जो हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं तो वो वाली डेमोक्रेसी आज के डेट में डेमोक्रेसी नहीं रह गई है, तो उसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा क्योंकि ये सोचने वाला मुद्दा है। अभी अगर ये नहीं सोचा गया तो दिक्कत काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, तो एक ये वाला आर्टिकल यहां पर समझाने कोशिश की जा रही है, तो देखते हैं सिचुएशन आगे क्या बनती है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है एक इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जिसका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो इनको SC या फिर सी सुब्रमण्यम के नाम से भी इनको जाना जाता है। 1910 में ये पैदा हुए थे, तो आज ही के दिन इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इन्हीं के बारे में ये आर्टिकल है। इनके बारे में बोला जा रहा है कि इनके द्वारा जो फोकस किया जाता था ये खगोल वैज्ञानिक थे जो स्टार और यूनिवर्स के ऊपर फोकस देकर चलते थे। दूसरी साइड में अगर पैरेलल में देखें तो इनके द्वारा हमारी फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी फोकस किया गया। आप लोगों को एक टाइम ऐसा था हमारी कंट्री में भुखमरी थी काफी लार्ज स्केल पर, इसीलिए हमारी कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने जब यहां पर नारा दिया जय जवान जय किसान का, तो उसमें यह बोला गया कि किसान जो है उनको इस तरीके से हमारी कंट्री में लेकर आगे बढ़ना है हमको, ताकि हम लोग फूड सफिशियंट कंट्री बन सके, यानी कि दूसरी कंट्री से कम खाना नहीं खरीद कर हम लोग को लाना पड़े, तो ऐसी कंट्री हमने कंट्री को बनानी है। और उस टाइम पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्टार्ट हमारी कंट्री में किया गया जिसमें गेहूं चावल के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया गया, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो बीज है
उसको बोने के लिए भी कहीं ना कहीं इनका इनका बहुत बड़ा रोल यहां पर रहा। इसी के साथ में जो ब्लैक होल है उसके बारे में काफी अच्छी स्टडी इनके द्वारा की गई। नेक्स्ट यहां पर जो काफी इंपोर्टेंट है, यहां पर देखिए जो फूड सफिशिएंट और इसी के साथ में एग्रो फाउंडेशन के ऊपर इनका जो फोकस रहा, इसमें कई सारी बातें भी इनके द्वारा बोलेगी। हमारी कंट्री एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, आज के डेट में भी 50% से ज्यादा जो जनता है वो खेती के ऊपर डिपेंड है। तो आज की डेट में अगर हम लोग वहां पर कोई चेंज करते हैं तो एक बहुत बड़े सेक्शन के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो वो चीजें समझ कर ही हम लोग को आगे काम करना चाहिए। अगर बात करें 4 E के बारे में बोला गया है, एक एजुकेशन, एक एनवायरमेंट, एक इकोनॉमी और एक एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर, यानी कि जो किसान है उनको एम्पावर करना है, इकोनॉमी को सही लेकर चलना है, एनवायरमेंट को सही डायरेक्शन देनी है और एजुकेशन जो कि काफी अच्छा काम किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अभी आप लोगों को पता होगा हमारी कंट्री में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आएगी, तो ये काफी अच्छे तरीके से एक ऐसी पॉलिसी लेकर आएगी है। अगर आज की डेट में आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया बीए बीएससी बीटेक में, एक साल करने के बाद में आप लोगों को लगा है कि यार ये अच्छी चीज नहीं है, गलत डायरेक्शन में आ गए, आप लोग उसको वहीं पर ही छोड़ सकते हैं, आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 साल की पढ़ाई का, तो ये काफी अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रीम में जाकर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ में स्किल ट्रेनिंग के बारे में बात की जा रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात की जा रही है। तो काफी अच्छी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमारी कंट्री में, जो कि तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। इससे पहले 1968 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी, 1986 में दूसरी लाई गई और 2020 में ये तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। तो सबके द्वारा अप्रिशिएट किया गया कि गवर्नमेंट ने काफी शानदार काम किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। पर लेकिन एनवायरमेंट के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट को हमारी कंट्री में डाइल्यूट कर दिया गया, जो कि सही तरीके से काम नहीं कर पाया, तो हमारी कंट्री की काफी नेगेटिव इमेज गई, नीचे से टॉप कर रहे हैं हम लोग इसके इंडेक्स में। इकोनॉमी के बारे में आप लोग बात करें, जब COVID-19 से पहले भी हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी, उस टाइम पर भी कई सारी ऐसी पॉलिसीज बार बार चेंज की जा रही थी कि हमारी कंट्री की जो डूबती डैया है, जो डूबती नहीं है उसको कैसे बचाया जाए। निर्मला सीतारमन जी जो आज के में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कई बार यहां पर पब्लिक में सामने आकर बैठी और उनके द्वारा पॉलिसीज चेंज की गई, पर लेकिन वो इंपैक्ट नहीं डाल रही थी। फिर तुरंत आ गया COVID-19 और उसके बाद में बोल दिया गया कि ये एक्ट ऑफ गॉड हो गया, यानी कि ये तो सब भगवान की कृपा है जिसकी वजह से इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, और अपना पल्ला झाड़ लिया। तो वो एक अलग माहौल वहां पर देखने को मिला। इसी के साथ में फार्मर को पावर करने की बात आती है, तो वो आप लोग समझ ही रहे हैं। तो कुछ एरिया ऐसे हैं गवर्नमेंट ने काम किया, पर लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट ने अप टू द मार्क काम नहीं किया है, जैसी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से लगाई जा रही थी। तो कुछ यहां पर ये वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, बाकी जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया कि इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया है, तो 11% ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है 2021 वाला, जो 21-22 वाला जो ईयर हमारा स्टार्ट होने वाला है। वी शेप ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, कई सारी एक रिकवरी स्टोरी के बारे में बात की जा रही है कि अच्छे लेवल पर हम लोग रिकवर कर पाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो ये क्या सही है और क्या गलत है, तो उसके बारे में समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसी के साथ में थर्ड लोवेस्ट पर कैपिटा जो हमारी कंट्री में, इसके बारे में बात की जा रही है। बेसिकली अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो ये वाला पूरा एनालिसिस आप लोग यहां पर देखेगा, ये जो वीडियो है ये आप लोग देख लीजिएगा, इसका लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक पर भी क्लिक कर आप लोग इसको देख लीजिएगा ताकि इसको अंडरस्टैंड आप लोग कर सके, तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है। तो ये था टोटल आज का नन्ना सा मुन्ना सा पैरा सा डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना और बाकी जो भी लेक्चर मैंने बोले हैं वो वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे, उनको जरूर देखना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।